अभिनंदन स्वागत के लिए अपने ही अंदाज में स्वागत करने के लिए आ रहे हैं दिल्ली के यूथ वेलफेयर फेडरेशन के सेवादार भाई व यूथ वीरांगनाएं बहन धनन सतगुरु तेरा ही। मैं भारत का दिल दिल्ली, मुझे इंद्रप्रस्थ नगरी के रूप में पांडवों ने बसाया था। मुगलों ने मुझ पर शासन किया और कुछ वर्ष मैं अंग्रेजों के अधीन भी रही। 15 अगस्त 1947 के बाद मैं भारत के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती हूँ। आज मैं मेरी धरा पे हे पूज्य गुरुजी, आप जी का कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जी। जितना कहे हम उतना कम है, तहजीबों का दुसंगम है। सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी सुमित इन संसर्चा भजन सुना रहे हैं जी। और जो भी बहनिया भाई खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना प्रेम से बैठ जाएं। और जो पंडाल से बाहर हैं आपसे भी निवेदन है, आप जल्दी से सत्संग पंडाल में आकर सत्संग का लाभ उठाएं जी। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे भाई इसी जन्म में गुण मालिक के गाए, जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए। प्यारे भाई इसी जन्म में गुण मालिक के गाए, जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए। भोग 84 जन्म मिला है,
है ये बड़ा अनमोल, हीरे लाल जवाहर पूंजी कोटि संग ना तोल, जो जी चाहे सो कर सकता क्यों ना लाभ उठाए, गुण मालिक के गाए जन्म का लाभ उठाए। तूने और भी पाए मिली न खुद मुख प्यारी, सभी गुलाम थी चूनी सारी अब मिली सरदारी, नरक पड़े या स्वर्ग जाए चाहे रूह को आजाद कराए, गुण मालिक के गाए जन्म का लाभ उठाए। करोड़ी अंत काम नाए, भरे खजाने रहे यहाँ पर देख रोए पछताए, आगे लिए ना खर्च बनाया हो कंगाल जाए, गुण मालिक के गाए हो जन्म का लाभ उठाए। आज का काम अभी ही कर ले फिर हाथ ना आए, कल का काम काल हट भाई शाह सतनाम जी बताए, गुण मालिक के गाए जन्म का लाभ उठाए। प्यारे भाई इसी जन्म में गुण मालिक के गाए जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी बहनिया भाई पंडाल से बाहर हैं आपसे फिर ये निवेदन है, आप जल्दी से रामलीला मैदान में ये सत्संग का कार्यक्रम है यहाँ पर आए और सत्संग का लाभ उठाएं। और जो बहनिया भाई यहाँ खड़े हैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया सभी प्रेम से अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, किसी ने भी खड़े नहीं रहना, आपस में बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजन बाजे प्यारी सत्संग जीओ, जो भी जीव यहां पे सत्संग पंडाल में सर्वधर्म संगम में चल के आए हैं, आ रहे हैं, आप सबका सत्संग पंडाल में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और
जैसा आपको मालूम है यह सर्वधर्म सभा है और आज रूहानियत सूफियत के अनुसार आपकी सेवा में मालिक की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कई जगह लोग यह पूछा करते हैं, गुरुजी आप सभी धर्मों को क्यों मानते हैं? हमने सभी धर्मों को पढ़ा, हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद, सिख धर्म की पवित्र बाइबल, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी धर्मों को पढ़ा और सभी धर्मों में 99% एक ही बात कही गई है। भाषा अलग है, कहने का अंदाज अलग है, लेकिन उनका मीनिंग्स, उनका मतलब एक ही है। तो रूहानियत सूफियत इंसानियत की पक्षधर है, सभी धर्मों को इंसान मानते हैं, पशु पक्षी परिंदे नहीं। कई बार लोग कह देते हैं ये अलग अलग धर्म बने हैं शायद इसलिए लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। नहीं, धर्मों में प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाया है, नफरत का नहीं। और अलग धर्म बनने की एक वजह है, एक कारण है, इंसान इस धरती पे जैसे जैसे बढ़ते गए, अलग अलग कबीलों में बंटते गए, अलग अलग जगह रहने लगे और उनकी अलग अलग भाषाएं होती चली गई। कुछ भाषाएं बाद में बनी, कुछ पहले से बनी, और उन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संत, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, गुरु, महापुरुष आए और संतों ने उस मालिक की चर्चा की। अब अलग भाषा में तो अलग चर्चा, लेकिन उनका मीनिंग्स, मतलब एक ही है। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो, इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड से जोड़ो। तोड़ने का संदेश हमारे किसी भी धर्म में नहीं लिखा। सर्वधर्म यही फरमाता है कि इंसान का मकसद, इंसान का कर्तव्य उस सुप्रीम पावर को, अल्लाह वाहिगुरु राम को देखना है, उसके दर्शन करने हैं और आवागमन खत्म करना है। सच्चा मोक्ष आज हर इंसान की जरूरत है और सच्चा मोक्ष हमारे सभी धर्मों में बोला गया। पर ये मोक्ष और सच्चा मोक्ष क्या है? सच्चा मोक्ष इंसान जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं से आजाद हो जाए और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष, मुक्ति मिले, इसी का नाम
सच्चा मोक्ष। हमारे धर्मों में इस मोक्ष को कैसे हासिल किया जाए तरीका बताया है, युक्ति बताई है कि आप सच्चा मोक्ष कैसे हासिल कर सकते हैं। और हमारे धर्म में कहीं भी यह नहीं लिखा कि सच्चा मोक्ष मुक्ति हासिल करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा या धर्म बदलना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता बदलना पड़ेगा या भाषा बदलनी होगी या घर परिवार छोड़ के जंगलों में जाना होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अगर आप वाकई सच्चा मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो सच्चा मोक्ष आत्मबल से मिलता है और आत्मबल आत्मिक चिंतन से होता है और आत्मिक चिंतन ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से होता है। तो आज आपकी सेवा में उस मालिक के चरणों में उनसे पूछ के आपको बताने आए हैं कि हकीकत क्या है। उनकी रहमत से, भगवान अल्लाह राम गॉड की रहमत से जो अनुभव हुआ वो आपसे साझा करना है, शेयर करना है। आपके कोई भी सवालात क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, दो लाइनें सिर्फ आप लिख के भेज दीजिए। आपके आसपास जो सेवादार खड़े हैं उनको दे दीजिए और वो वहां तक पहुंचाएंगे और वहां स्टेज से आपकी वो स्लिप पड़ी जाएगी। हम कोई विद्वान नहीं, ज्ञानवान नहीं, हम तो आपके एक सेवक हैं, चौकीदार हैं, जो आवाज देने आए हैं कि जागते रहिए। अरे इस कलयुग में स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे ले सकते हो। कई लोग कह देते गुरुजी ऊंचा बैठते हो, ये मनोदशा है। हम विज्ञान के भी स्टूडेंट रहे, नॉन मेडिकल के, थोड़ा पढ़ पाए गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन जितना पढ़ा साइंस में बहुत रुचि थी। तो ये आदमी की मनोदशा है कि बोलने वाला अगर दिखाई ना दे तो कोई टिक के बैठता नहीं, इसलिए ऊंचा बैठते हैं। और धर्मों के अनुसार अगर हमारे नजरिए से आप पूछो, हमारे धर्मों में लिखा है कलयुग में जो लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद में आके बैठेंगे, उसकी याद में चुपचाप सुनेंगे, उस समय वो लोग देवी देवताओं से भी बढ़के होंगे। तो यहां तो लाखों देवी देवता हैं, सबके दर्शन हो आपके, इसलिए भी ऊंची जगह बैठना पड़ता है। तो आज आपसे गुजारिश, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप लिख के भेज दीजिएगा। और आज का भजन, आज का शब्द जिस पे सत्संग होगा, बुरी आदतें सब छूट जाती हैं जो चल के संगत में आता है, जो आता खाली जाता नहीं, हिस्सा बर्तन मुताबिक ले जाता है, हिस्सा बर्तन मुताबिक ले जाता है। जैसे बरसात होती है, बरसात में कोई बर्तन सीधा है, कोई टेढ़ा आड़ा तिरछा है, कोई उल्टा है, तो बरसात तो बरस रही है, जैसा बर्तन वैसा उसमें पानी आएगा। अमृत आबोहयात बरस रहा हो तो भी जो सीधे बर्तन हैं वो लबालब भरेंगे, थोड़े से टेढ़े हैं वो और कम, और जो बिल्कुल आड़े तिरछे हैं वो और कम, और जो उल्टा है उसमें क्या जाएगा। पर उसमें कुछ जाए ना जाए,
सत्संग में जो आ गया उस पे असर लाजमी होता है, उसे सुख आनंद लाजमी मिलता है। तो अपने अपने हिस्से अनुसार, भावना के अनुसार इंसान को फल मिलता है। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, वैसा फल मिलता है। आपको ये बता दें, कलयुग में श्रद्धा किसे कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा भयानक दौर है। हम भी इस गुरुगद्दी पे आने से पहले सभी धर्मों में जाके आए, जिनके साथ हम जाया करते थे लोग कहते आओ जी, हमने कहा क्या करना है, कहते जो श्रद्धा है चढ़ाओ जी। हमने कहा श्रद्धा भी कभी चढ़ती है, कहते नहीं नहीं माया रानी। हमने कहा हमने धर्मों में नहीं पढ़ा कि परमात्मा अल्लाह राम ईश्वर पैसा लेता है, कहते जी इतना तो हम जानते नहीं, यहां तो श्रद्धा का मतलब है जितनी आपकी औकात है उतने चढ़ा जाओ। क्या ये ही श्रद्धा है? पहले तो आपको ये बता दें धर्मों में लिखा क्या है। हमारे वेदों में लिखा है, पाक पवित्र वेदों में लिखा है, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी आबोहवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बताया, हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है, वो अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। अगर कोई कायदे से मांगे तो वो इतना रहमो करम बरसाता है कि दामन झोलियां छोटी रह जाती हैं, उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। सिख धर्म में हमारे लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो आप अपने वाहेगुरु परमात्मा ठाकुर से मांगेंगे सच्चे दिल से भावना से, तो भंडारे भर देगा, किसी चीज की कमी तोड़ नहीं आने देगा, कोई तोड़ नहीं आएगी। ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है लेता नहीं। तो ये तो सुना आपने हमारे धर्मों की बात कि मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा देता है लेता नहीं। पर इस घोर कलयुग में जब भी मालिक के दर पे जाना हो, आदमी पहले जेब टटोलता है एक का नोट है कि नहीं, क्योंकि मालिक की जगह जाना है तो कुछ देना है फिर कुछ लेना है, नहीं तो प्रसाद भी नहीं मिलता। हमने यह सत्संग किया और एक सज्जन कहीं पे चले गए, वहां डंडे से या ऐसा कोई आशीर्वाद मिलता था, सब लोगों को आशीर्वाद मिल रहा था, यूं यूं कहता गुरुजी मैंने आपकी सत्संग सुनी और यह सुना कि भगवान तो पैसा लेता ही नहीं। तो कहता मैंने वहां जाके कुछ भी नहीं चढ़ाया। तो हमने बोला कि क्या आपको आशीर्वाद नहीं मिला? वो सज्जन कहने लगा गुरुजी आशीर्वाद तो मिला, सबको तो यूं यूं मिल रहा था, मुझे यूं मिला। कहता कई दिन तक याद रहा वो वाला आशीर्वाद, क्यों? अब जब चढ़ाया नहीं तो प्रसाद ले रहा है मुफ्त में, गड़बड़ है ना। तो हकीकत क्या है यही आज आपको बताना है। श्रद्धा भावना किसे कहते हैं? मालिक ना करे किसी का एक बेटा हो और उसका कहीं एक्सीडेंट हो, चोट लग जाए,
पता ना चले, फोन किया, चेक किया, पर कुछ पता ना चला, तो जैसे बेअख्तियार अपने आप आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्यों मेरे बेटे का पता नहीं क्या हुआ, तो वो श्रद्धा है, वो भावना है आपकी आपके बेटे के लिए। तो आपकी भावना आपके बेटे के लिए, रुपए में अगर 100 पैसा है, ऐसी ही भावना आप भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड के लिए रुपए में 15 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं वो साक्षात दर्शन देंगे ही देंगे। ये है सच्ची श्रद्धा। अरे मालिक को हम क्या दे सकते हैं जिसने हमें बनाया है, हम ने उससे मांगना है भावना से, श्रद्धा से वायदा करना है, हम बुरा कर्म नहीं करेंगे, अपने आप नहीं तो ईश्वर की, अल्लाह की, वाहिगुरु गॉड की भक्ति इबादत कीजिए, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको हिम्मत देगा, आत्मविश्वास विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपने बुरे विचारों पे काबू पा सकेंगे और एड्स, काले पीलिए जैसी बीमारियां आपके नजदीक भी नहीं फटकेंगी। साइंस कहती है आत्मबल विल पावर सफलता की कुंजी है। जिनके पास आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, और आत्मबल बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं जिससे आत्मबल मिल जाए, विल पावर आ जाए। आत्मबल मिलता है मालिक के नाम से। नासा साइंस के अंदर वहां के साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप विल पावर चाहते हो, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, एक शब्द को ले लीजिए, जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, और उसका अभ्यास कीजिए, ध्यान एक जगह एकाग्र कंसंट्रेट करके, तो यकीनन आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप असफल से सफल हो जाएंगे। उन्होंने अभी यह साबित किया है। हमारे हिंदू धर्म में हजारों साल पहले लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मत ए मर्दा मद दे खुदा। आप मेहनत कीजिए, मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे, पर अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, तभी मालिक मदद करेंगे। कई लोग कहते हैं काम धंधे की क्या जरूरत, जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा, जो भाग्य में नहीं लिखा वो नहीं मिलता, यह आपका अधूरा ज्ञान है। जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं लिखा अगर आप भक्ति करें, हिम्मत करें, तो मालिक आपको वो भी दे देगा जो आपके भाग्य में नहीं लिखा। आप बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, काम धंधा कीजिए, कड़ा परिश्रम कीजिए, ईश्वर अल्लाह राम का नाम लीजिए, यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेंगी चूमेंगी। पर अगर आप चारपाई पे सोए रहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है मिल जाएगा, तो आपको मालिक खुराटे तो चाहे 5-10 और दे दे, क्योंकि आप तो सोए रहते हैं। तो हिम्मत करना इंसान का फर्ज है, मेहनत करना, अच्छे नेक कर्म करना, भले कर्म करना, बुरे कर्म ना करो। तो आदत जैसी जिसको पड़ जाती है वो जल्दी से छूटा नहीं करती। कबीर जी ने लिखा है,
चोर जुआरी क्या बदलेंगे तुम आया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरी जन सूर। सारा दिन ठगी मारना, बेईमानी करना, उसकी जेब काट लूं, इसके घर का हिस्सा मैं ले लूं, उसका प्लाट मैं मार लूं, जो सारा दिन ये ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में उलझे रहते हैं वो अपनी आदत का तो सोचते ही नहीं कि कितनी गंदी आदतें पड़ी हुई है, छोड़ेंगे कहां से। एक कहावत है, गाय भैंस को कितना बढ़िया चारा डाल दो, जिसको रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, कपड़ा खाने की आदत पड़ जाए, वो रस्सा चबाएगी ही चबाएगी, पता नहीं उसमें कौन से मिनरल भरे होते हैं। ऐसे आदमी को जो आदत पड़ जाए वो जल्दी से छोड़ नहीं पाता। आदतें बदलती हैं और आदमी ही बदल सकते हैं, पर जिनके अंदर विल पावर होता है, आत्मबल चरम सीमा पे होगा, आप अपनी गंदी आदतें या जिनसे आप खुद परेशान हैं चुटकियों में छोड़ सकते हैं, चुटकियों में। चाहे वो नशा करने की आदत, चाहे टांग खिंचाई की आदत, चाहे चुगली निंदा की आदत, चाहे किसी का बुरा सोचने की आदत, जितनी भी गंदी आदतें हैं उनको आत्मबल के सहारे बदला जा सकता है, आत्मबल के सहारे वो बदल जाती हैं। तो आज आपकी सेवा में आद काल से चला वो तरीका, वो मेथड जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में हमारे कहते हैं कलमा, और हमारे सिख धर्म में कहते हैं नाम शब्द, और ईसाई धर्म में कहते हैं द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो ध्यान का तरीका आज आपको बताने आए हैं, वो ओंकार। कई सज्जन कहते गुरुजी हमने तो एक ओम के बारे में सुना है, उससे आगे नहीं सुना। आज जिसको हम भगवान कह रहे हैं, अल्लाह गॉड खुदा वाहेगुरु, ये ओम को नहीं, जिसने ओंकार ब्रह्मा जी को बनाया, विष्णु जी महेश जी को बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी समाधि में बैठते हैं, उस ओंकार कौन सा, वो प्रकाश का स्तंभ जिसमें से ब्रह्मा जी निकले और युग बीत गए कि मैं देखूं इस स्तंभ का कोई कहीं किनारा है, इस पिलर का प्रकाश का इतना बड़ा स्तंभ कहीं तो किनारा मिलेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो दौड़ते रहे भागते रहे, किनारा नहीं मिला, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, आप कौन हैं और मैं क्यों आया हूं, तो आवाज आई मैं ओंकार हूं, तुझे इसलिए बनाया गया कि तू सृष्टि की रचना कर सके, करवा सके। तो उस ओंकार की बात यहां करने आए हैं, जिसे सिख धर्म में बोले तो एक ओंकार, इस्लाम धर्म में बोले तो रहमो कर्म का दाता अल्लाह ताला, और इंग्लिश फकीर की बात करें तो द सुप्रीम पावर गॉड। आज आपको उसका मूल मंत्र बताएंगे, उसका नाम बताएंगे। गुरु मंत्र का मतलब यह नहीं होता गुरु का मंत्र, नहीं, गुरु मंत्र भगवान के वो शब्द जो गुरु पहले खुद जाप करे और फिर लोगों को बताए, ये कहे कि भाई हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हमने उस ओंकार का ये गुरु मंत्र ये शब्द जाप किया, हमें उस मालिक ने दर्शन दिए दे रहे हैं, तो आपको उस शब्दों से दर्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप भी इंसान और हम भी इंसान। उसे कहते गुरु मंत्रा। तो आज आपकी सेवा में वो मेथड बताना है जिसे आप अपने घर परिवार में रहके काम धंधा करते हुए, ना कपड़ा बदलना है, ना पैसा चढ़ाना है, ना घरबार छोड़ना है, ना धर्म मजहब बदलना है,
अपने धर्म में रहो। लोग कहते हैं गुरुजी आपने सभी धर्मों को पढ़ा मानते हो, क्या धर्म लड़ना सिखाते हैं? क्या धर्म नफरत करना सिखाते हैं? अजी आप सभी धर्मों की बात आपको बताते हैं। अगर आप इस मिनट में जितने भी पूरी दुनिया में धर्म हैं सब लोग अपने अपने धर्म को मान लें, दिखावा नहीं, मानने लग जाएं, तो हम गारंटी देते हैं 100% अगले ही मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहेगी। हमारे धर्मों में नफरत करना नहीं सिखाया, हमारे धर्मों में लड़ना झगड़ना नहीं सिखाया, हमारे धर्मों में कहीं भी ईर्ष्या ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं सिखाया, हमारे धर्मों में यही सिखाया है कि आपस में प्यार करो बेगर्ज निस्वार्थ भावना से। गर्जी प्यार ज्यादातर झूठा होता है। उदाहरण के तौर पे आपका कोई ऊंचा रुतबा है, आपके पैसे हैं आपके पास, आपका राज पहुंच है, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बड़े राजा महाराजा हैं, लोग ऐसे भी आपसे हाथ मिलाएंगे जिनको आपने कभी नहीं देखा। आप पूछोगे भाई आप कौन? अजी मैं फलां जगह आपके फलां जगह फलां फलां जगह था। आपको क्या पता इतनी भीड़ रहती है? तो अगर आपका वो रुतबा चला जाए, अगर आपके पास से पैसे चले जाएं, तो नए ने हाथ क्या मिलाना है? जो आपके अपने होते हैं वो भी मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं कि अगर इससे मुंह लगाएंगे तो कुछ ना कुछ मांगेगा। ऐसा है ये स्वार्थी युग। ज्यादातर रिश्ते नाते स्वार्थ पे टिके। फकीर को सच बोलना पड़ता है और आज आपको सच बताएंगे। और सच यह है कि आपके पास जमीन जायदाद बहुत है तो भी लोग आपसे दोस्ती कर सकते हैं, आपकी राज पहुंच है तो भी आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, आपका ऊंचा ओहदा है तो भी दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। और बुरा ना मानिएगा, आपकी बेटी बेटा या कोई बेटी या माता या बहू खूबसूरत है तो भी लोग दोस्ती धारण करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि स्वार्थ है, गर्ज है। और आज का इंसान गर्ज में अंधा है। तो ये बुरी आदतें इंसान की तब छूटती हैं जब वो अपने आत्मबल को बढ़ा लेता है। आज के दौर में, आज के युग में लोग शरीर के लिए बहुत कुछ खाते हैं, पर शरीर जिससे सुरजीत है, जिससे शरीर में शक्ति है, उस आत्मा के लिए कुछ भी नहीं खाते, उस आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं खाते। हमारे पैर के अंगूठे से लेके सिर तक आत्मा रहती है, और जब तक वो रहती है सब कुछ ठीक रहता है। 100 साल के शरीर में भी अगर आत्मा है तो हर कोई इज्जत करेगा, और 2 साल के बच्चे में से ये आत्मा चली जाए तो शरीर गड़सड़ जाएगा। तो उस आत्मा की खुराक आप नहीं खाते हैं, और साइंटिस्ट मान चुके हैं कि मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, धर्मों में हजारों साल पहले लिखा है भक्ति इबादत करो। आपके पास टाइम है सुबह फ्रेश होने का, आपके पास टाइम है सुबह ब्रेकफास्ट का, आपके पास टाइम है सारा दिन दफ्तर में स्कूलों में और खेती बाड़ी में बिजनेस व्यापार में टाइम है, दोपहर को खाने के लिए भी टाइम है,
रात के चाय दूध और शाम का खाना सब चीजों के लिए टाइम है और आपने फिक्स कर रखा है, अच्छी बात। पर अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड के लिए आपके पास टाइम नहीं तो आत्मबल आए कहां से, क्योंकि वही स्रोत है आत्मबल का, उसी से आता है आत्मबल। और आत्मबल के सहारे इंसान पहाड़ जैसे रोगों को भी कंकर में बदल सकता है, भयानक से भयानक टेंशन चिंताओं को अपने अंदर से अपने दिमाग से हल कर सकता है। तो आज आपको अच्छी तरह बताना है आप पूर्णतः सुख कैसे ले सकते हैं। हर आदमी चाहता है मैं सुखी हूं, हर आदमी चाहता है मुझे सुख मिले, ऐशो आराम मिले, मेरी संतान मेरा परिवार सुखी रहे, इसीलिए तो दौड़े फिरते हैं। पर क्या पैसे से सुख मिलता है? हमने अपने देश में पूरे वर्ल्ड में धनाड़ों में नंबर रखने वाले लोगों को भी रोते चिल्लाते देखा। तो पैसे से सारा सुख आत्मिक शांति नहीं मिलती, और कई लोग अपनी ताकत दिखाते हैं उससे भी नहीं, पारिवारिक ताकत औलाद की उससे भी नहीं, या किसी पे राज्य करने से उससे भी नहीं। तो आत्मिक शांति संतुष्टि से ही प्राप्त होती है, और संतोष संतुष्टि किसे कहते हैं? आपके पास जो धन दौलत है उससे आप कर्तव्य निर्वाह करें, और उस धन दौलत में से कुछ हिस्सा निकालें, पांचवा सातवा पंद्रहवा बीसवा जो आपको अच्छा लगे, यानी 19 आप रखें एक रुपया अलग कर लें, या 25 आप रखें 26वां अलग कर लें, तो उस रुपए को जुड़ते जाएंगे। आपके आसपास कोई लाचार अपंग अंगहीन बीमार है उसका इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए, यानी प्रभु की सृष्टि की सेवा कीजिए, बदले में उस पुण्य का फल ना मिले तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे, कहीं और पैसा चढ़ाएं उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं ये तो राम जाने। पर हम तो वो बता सकते हैं जिसका पुण्य मिलता है, जिस दान का फायदा होता है इस घोर कलयुग में, आप करके देख लीजिए 100% आपको आत्मिक शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, एक आनंद मिलता है, और माइंड में फ्रेशनेस आ जाती है, दिमाग तरोताजा हो जाता है। इसीलिए तो दौड़ते रहते हैं लोग, काम धंधा करते करते छुट्टियां मनाने जाते हैं, फोर ए चेंज यार, फलां जगह चलते हैं फलां जगह चलते हैं। पहले एक गाना आया करता था पंजाबी में, लोग बोला करते थे ना जा बर में नू लेख जानगे नाले, कहीं चला जा तेरे कर्मों का चक्कर तो तेरे साथ ही रहना है। ठीक है आबो हवा चेंज होती है, थोड़ा शरीर में बदलाव आ जाते हैं, पर जब तक कर्म चक्कर नहीं बदलता आदमी को सुख शांति नहीं मिलती, चाहे वो दुनिया के किसी कोने तक चला जाए। तो कर्म चक्कर आपके बदल जाएं, आप अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाएं, आपको सच्चा सुख मिले, आप आत्मिक चैन हासिल करें। सत्संग संत इसलिए लगाते हैं ना कि नोट इकट्ठे करने के लिए या कोई ढोंग रचाने के लिए, क्योंकि जो पैसा लेता है वो संत हो ही नहीं सकता। कि आपको राम नाम बताऊंगा, माली का नाम बताऊंगा और बदले में पैसा चाहिए, तुलसी जी ने लिखा है ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है ग्राहक कम ही आए। पर आज तो ग्राहक बहुत आए हैं, ग्राउंड का हमें नहीं मालूम कितना बड़ा है, आगे कुछ जगह जरूर है थोड़ी सी, लेकिन पीछे यहां तक निगाह जाती है,
सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, धरती तो कहीं नजर आ ही नहीं रही। तो मालिक आपको खुशियां बख्शे, पर आपसे प्रार्थना है शांतमय तरीके से सुनिएगा। हम आपको बताने आए, हम सेवादार हैं, हमारी सेवा कबूल कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हम आप पे धौंस जमाने नहीं आए, वाकई आपकी सेवा करने आए हैं, और हमारी सेवा यही है कि आपको सही रास्ता बताएं, एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए जैसा आपको बोला था चौकीदार की तरह आपको समझाना है, बताना है। आप सुनिएगा जरूर, आगे अमल करना ना करना वो आपकी मर्जी, लेकिन अमल करेंगे, रिजल्ट ना आए, फल ना मिले, ये भी हमारी गारंटी, फल भी 100% मिलेगा। तो सर्वधर्म सभा में जो लोग भी आप पधारे हैं, पधार रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, और भाग्यशाली मालिक आपको बनाए, इसके लिए सत्संग सुनिएगा। और इस बारे में जो भी संत महापुरुषों की लिखी हुई वाणी आएगी, सेवादर भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे, इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आप अच्छे हो या बुरे परवाह नहीं, आप किसी कमाई वाले महात्मा के सत्संग। कुएं में सैकड़ों मन चीनी डाल दो, वो मीठा नहीं होता, तो ये तो बुराई का असर है। दूसरी तरफ बरसात का गंदा पानी, बदबूदार शराब, ये सब अगर गंगा जी में डाल दिए जाते हैं तो वो बदबूदार शराब या गंदा पानी नहीं कहलाता, बल्कि वो गंगा जल बन जाता है। जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। इसलिए हे साध संग जी, भक्तजनों, कभी भी बुरा संग ना करो, क्योंकि आदमी जैसी सोहबत में बैठता है, ऐसे यार दोस्त मित्र सहेली के पास आप बैठेंगे, जैसी उसकी विचारधारा है वो आपको वैसी बातें सुनाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन उनकी बातों का रंग आप पे लाजमी चढ़ जाएगा। नशेड़ी के पास लगातार बैठने से कोई नशे से बच नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। जुआरी के पास बैठ के नजारे लेने वाला भी एक दिन जुआरी बन जाता है। इसलिए संग का रंग लाजमी चढ़ता है, और बुरा संग कभी ना करो। तो साथ साथ भजन होगा, और भजन के बाद जल्दी से आपको बताएंगे। तो आज का भजन है, बुरी आदतें सब छूट जाती हैं जो चल के संगत में आता है, जो आता खाली जाता नहीं, हिस्सा बर्तन मुताबिक ले जाता है, हिस्सा बर्तन मुताबिक ले जाता है। तो एक बार फिर से पुनः आपसे गुजारिश, आप अगर हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, दो लाइनें थोड़े शब्दों में आप जल्दी से लिख के भेज दीजिए, आपके आसपास कोई भी सेवादार खड़ा है, इशारा करके बुलाइए, स्लिप दे दीजिए, और वो यहां पहुंचा देंगे। बहनों की तरफ बहने हैं, भाइयों की तरफ भाई, शॉर्ट में लिखें, लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई बात आप कहना चाहते हैं वो भी शॉर्ट में। तो भजन के बाद आपको फिर बताते हैं। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कबीर संगत करिए साध की, साहिब आवे याद,
लेके में सोई घड़ी बाकी वाद विवाद सुनो विचारो अमल करो इस जन्म का लाभ उठा लेना सुनो विचारो अमल करो इस जन्म का लाभ उठा लेना कहे शासत नाम जी सत्संगा कर प्रभु राम का नाम ध्यान बुरी आदत सब छूट जाती है बुरी आदत सब छूट जाती है जो चल के संगत में आता है जो आता खाली जाता नहीं खबर तन मुताबिक ले जाता है बुरी आदत सब छूट जाती है जो चल के संगत में आता है जो आता खाली जाता नहीं किसका बर्तन मुताबिक ले जाता है बुरी आदत सब छूट जाती है मन की ऐसी आदत है जैसा संग करे वैसा रंग चढ़े जैसा संग करे वैसा रंग चढ़े धीरे धीरे किसी पे रंग चढ़े धीरे धीरे किसी पे रंग चढ़े किसे जल्दी से चढ़ जाता है बुरी आदत सब छूट जाती है पुरुषों का संग जो करता है एक दिन वो भला बन जाता है एक दिन वो भला बन जाता है जो चंदन के पास नीम रहे वो धूप चंदन धूप चंदन शराब गंगा में पड़ जाए वो रूप गंगा जल हो जाए वो रूप गंगा जल हो जाए जो लोहा पारस संग लगे वो लोहा भी सोना हो जाता है बुरी आदत सब छूट जाती है Oh
सौदा भूमि अगण का सज्जन ठग बाल्मीक सदना तर जाते हैं, बाल्मीक सदना तर जाते हैं। ऐसे लाखों पापी भक्त बने सत्संग का असर हो जाता है, बुरी आदत सब छूट जाती है। सत्संग रूहानी कॉलेज है, नाम प्रेम की शिक्षा मिलती है, नाम प्रेम की शिक्षा मिलती है। पाप जन्म जन्म के कट जाते, तीर्थ सत्संग में जो आता है, बुरी आदत सब छूट जाती है। कृष्ण जियो तो भक्त को जी गुण सत्संग के हैं बताते जी, गुण सत्संग के हैं बताते जी। कितने भी जीव कर्म धर्म कर ले, जल्दी मालिक से मिलना वो पाता है, बुरी आस से सब छूट जाती है। सत्संग की महिमा इतनी है, भगवान भी खुश हो जाते हैं, भगवान भी खुश हो जाते हैं। करे सत्संग भरोसा जाए, जिंदगी का बीमा हो जाता है, बुरी आस से सब छूट जाती है। दुनिया बलता सड़ता है, सत्संग में ठंडक मिलती है, सत्संग में ठंडक मिलती है। शासक नाम की भवसागर गहरा, नेक इसका सहारा कर जाता है, बुरी आग से सब छूट जाती है। जो चल के संगत में आता है, जो आता खाली जाता नहीं, इसका बर्तन मुताबिक ले जाता है, बुरी आग से सब छूट जाती है। धन धन सतगुरु तेरा ही जी। तो भजन के शुरू में आया, हाँ बैठ जाइए भाइयों, और शांतमय तरीके से आप सब बैठे। भजन के शुरू में आइए। मन की ऐसी आदत है, जैसा संग करे वैसा रंग चढ़े,
धीरे धीरे किसी पे रंग चढ़े, किसी पे जल्दी भी चढ़ जाता है। मन जो दिमाग को गलत गंदे बुरे विचार देता है, उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में मन कहा गया, इस्लाम धर्म में नफस कहा गया। और दिमाग को जो पॉजिटिव विचार देता है, भले विचार देता है, हिंदू और सिख धर्म में हमारे उसे आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज, और इस्लाम धर्म में रूह या जमीर की आवाज। आज का दौर ऐसा दौर है कि यहां लोग आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, रूह की जमीर की आवाज को दबा देते हैं, मन नफस शैतान की आवाज के पीछे सौदाई होके घूमते रहते हैं, पाप गुनाह करते रहते हैं। तो मन को जैसी आदत पड़ जाए, किसी को चुगली निंदा की आदत पड़ जाए, जब तक दो चार चुगली निंदा वो करेगा नहीं, उसकी रोटी हजम नहीं होती। कई लोग होते हैं उनके अंदर बात पचती नहीं, एक ने बात कही उसको मिर्च मसाला लगा के जब तक 10-20 लोगों को सुनाएंगे नहीं, उन्हें आनंद नहीं आता। इसी बात पे एक आपको बात सुनाते हैं, सच्ची बात। किसी जगह पे एक कटिंग करने वाले सज्जन थे, गांव में उनको नाई कहते हैं, तो ये मशहूर था उनके लिए कि कोई भी बात उनके पचती नहीं थी। जो भी बात कोई उनको बताता, 10-20 गुना मसाला लगा के 10-20 को सुनाना जरूरी होता था। वो बड़े मशहूर हो गए, बादशाह के पास बात गई कि हे राजन, ये जो घोगू नाई है, इसके कोई भी बात कभी पचती नहीं, इसकी आदत नहीं बदलती, राजहट त्रियाहट मशहूर है। राजा कहता, आदत तो कैसे नहीं बदलती, मैं बदल के छोड़ूंगा। कहते, जी आप देख लीजिए। राजा ने यहां पे टोपी चढ़ा ली, यूं करके कपड़ा बांध लिया और उस नाई को बुलाया। कहने लगे, आ भी गोगू नाई, आज कटिंग करनी है, पर यहां मैंने टोपी चढ़ाई है, वहां नहीं करनी। गोगू नाई को उत्सुकता होती है, जो लोग ऐसी बातें एक दूसरे की आगे से आगे बताते हैं, वो इंटरेस्ट बढ़ा लेते हैं। कोई गप मार रहा हो तो कहते, अच्छा फिर, तो उसको लगा यार ये क्या चक्कर है। कहता, जी यहां कटिंग क्यों नहीं करनी। कहता, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे यहां पे सींग निकल आए, पर गोगू नाई अगर ये बात तूने आगे बताई, समेत तुझे तेरे बच्चों को कोलू में पिड़वा दूंगा, देख ले अगर आगे बात की तो। जैसे तैसे उस भाई ने कटिंग की, घर वापस आया, चद्दर लेके सो गया, सोया भी ना जाए। और इतनी बड़ी बात की राजा के सींग निकल आए, और वो भी किसी को बतानी नहीं, बताता है तो सारे मारे जाते हैं, बड़ी गड़बड़ हो गई, पेट फूल गया, अफारा आ गया। अब एक दिन गुजरा, कहता मैंने नहीं कुछ खाना, मैं तो बीमार हूं। वो कहती, बैद जी के पास चलो, घर वाली कहती। कहता, नहीं वो बीमारी नहीं, कुछ बीमारी और है। कहने लगी, जी आप सारा दिन बातें करने वाले बड़े चुप हो। कहता, भक्ति कर रहा हूं। एक दिन निकल गया, अगला दिन निकल गया, बुरा हाल, भूख से। घरवाली फिर भी जानकार थी, कहती ये हो ही नहीं सकता कि आप चुप हो जाओ, चक्कर कोई है। घरवाली समझदार थी, कहने लगी, मुझे यूं लगता है आपके अंदर कोई भेद है। कहता, कोई भेद भूद नहीं, मरवाना है क्या। वो समझ गई वाकई भेद है। कहती, आप मुझे नहीं बताना चाहते, किसी को नहीं बताना चाहते, मत बताओ। अपने राज्य में फलां जगह पे पेड़ है, आप उस पेड़ को बताओ। कहते, पहले क्यों नहीं बताया। वो भागा,
पेड़ एक बण होते थे पुराने या कुछ और अच्छे पेड़ बबुल का पेड़ या ऐसे, तो उसमें जाके बोल के आया राजा के सिंह राजा के सिंह, तीन चार बार बोला और वापिस आ गया। कहता ला रोटी, मर रहे हैं भूख से। तो खाना खा लिया, कहने वाले बनाने वालों ने बात बना दी, वैसे तो किसी ने सुना होगा। कहते उसी पेड़ को काट लिया गया और उसकी सारंगी बन गई। सारंगी वादक, सारंगी बजाने वाला बादशाह के दरबार में आ गया और कहते हैं जैसे ही उसने सारंगी पे गज मारा तो उसमें से आवाज आई राजा के सिंह। राजा कहता रे ये तो किसी को ही नहीं पता था। फिर गज मार, उसने फिर गज मारा तो फिर राजा के सिंह। कहता बुलाओ घोगू को, बुलाओ। बुला लिया जी घोगू नाई को। बादशाह कहना इधर बैठ, बैठ गया। कहता गज मार, गज मारा फिर आया राजा के सिंह। बादशाह कहने लगा ये तो किसी को मालूम ही नहीं था, अब बता तूने किसी को कैसे बताया, समेत बच्चे को लू में पिटवा दूंगा। कहने लगा जी जान बख्शो मेरी, सच बताता हूं आपको, मेरे कुछ हजम नहीं होता, मुझे कोई भी बात बताई जाएगी मैं बढ़ा चढ़ा के सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। कहता जी आप वाली तो मैंने बढ़ाई चढ़ाई नहीं, जितनी आपने बताई उतनी बताई। कहने लगे किसको बताई? बहनों बैठ जाओ, माता बहनों बैठे रहो। अरे आपको जगह तो मिली हुई थी, आप ये क्या कर रहे हो? माता अरे बैठो आप, सेवादार बहनों बिठाई बहनों को। तो बादशाह कहने लगा बता किसको बताई? कहता जी मैंने किसी इंसान को नहीं बताई, मैंने तो फला जगह पेड़ था उसके थोड़ा सा वो थूथा था उसके अंदर बोल के आया हूं कि राजा के सिंह, तब जाके मुझे रोटी खाने को मिली। अब पता करवाया कहते उसी से सारंगी बनी है, चाहे थोड़ा मसाला लगाओ पूरी बात सच्ची ना हो, पर क्या आज गोगुनाई नहीं है? आज लोग एक दूसरे को लड़ा के मजा लेने वाले बहुत हैं, एक दूसरे को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करने वाले बहुत हैं। भोले भाले लोग बात सुनते नहीं, बस चल पड़े धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पैसे के नाम पे, पता नहीं किन किन बातों के नाम पे एक दूसरे को लड़ाना और अपना उल्लू सीधा कर लेना। क्या ये सच नहीं समाज में? ऐसा ही हो रहा है। तो आप इंसान हैं, मालिक ने बहुत बहुत बड़ा दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल किया करें, मत पड़ा करो इन चक्रों में और मत किया करो किसी की बुराई निंदा। आगे भजन में आया भले पुरुषों का संग जो करता है एक दिन वो भला बन जाता है, जो चंदन के पास नीम रहे वो रूप चंदन हो जाता है। नीम से खुशबू नहीं आती, वैसे बहुत गुणकारी है पर उसमें से खुशबू नहीं आती। और कहते हैं नीम का पेड़ चंदन के पेड़ के पास लग जाए तो उसमें से भी खुशबू आने लगती है। आपको एक शेर सुनाते हैं, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अगर आप किसी रोज किसी दिन आग के पास बैठ जाते हो, आपका कपड़ा उड़ता है, आग के ऊपर लग जाता है, आग ने क्या करना है? आपके कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठ जाते हो, कपड़ा उड़ता है, वो फूलों के ऊपर लग जाता है, फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी। उसी तरह अगर बुराई का संग करोगे, बुराई से जुड़े लोगों का संग करोगे, तो एक दिन बुराई रूपी आग आपके सुख शांति तंदुरुस्ती को जला के राख कर देगी। और अगर भले पुरुषों का संग करोगे, समाज में इज्जत, घर में इज्जत, यानी महक जाओगे, खुशबू आएगी। और अगर सत्संग करोगे
तो ओम हरि अल्लाह मालिक की दया में रहमत को पाओगे और अंदर बाहर का सुकून पाके परमानंद लज्जत आबो हयात को पा जाओगे। ये आप पे निर्भर है, आप संग कैसा करते हैं। इसलिए अच्छा संग कीजिए, भला संग कीजिए। जो शराब गंगा में पड़ जाए वो रूप गंगा जल हो जाए, जो लोहा पार संग लगे वो लोहा भी सोना हो जाता है। पारस कभी यह नहीं देखता कि लोहा कैसा है। कहते पारस का काम है उससे कोई भी लोहा टच हो जाए वो लोहे को कन्वर्ट करके गोल्ड सोना बना देता है। ये सिर्फ बातें नहीं है, साइंटिस्ट भी इन बातों को मानने लगे हैं। कहते हैं ये ख्याल में नहीं कौन सा देश था, अभी की बात है, वहां कुछ घुड़सवार जा रहे थे जंगलात में पहाड़ों में से होते हुए। कहते दिन के चले, पूरी रात चले और फिर जाके उन्होंने देखा तो घोड़ों के, पता नहीं कहां हुआ ये, कई दिनों का उनका सफर था, घोड़ों के जो नाखूनों पे सुंब चढ़ाए होते हैं लोहे के, नाखून के साथ लगा देते हैं, जहां जाके वो रुके और देखा तो वो गोल्ड के बने हुए थे। बहुत उन्होंने ढूंढा, बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें वो चीज मिली नहीं। तो पारस है, और पारस ये नहीं देखता कि जो लोहा उसे टच हो रहा है वो मंदिर की घंटी है या कसाई के घर का छुरा है। पारस से चाहे मंदिर की घंटी लग जाए, चाहे कसाई के घर का छुरा लग जाए, पारस ने उसे गोल्ड सोना बना देना है। उसी तरह सत्संग है, पारस लोहे को सोना तो बना सकता है पर पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम का सत्संग ऐसा सत्संग होता है, यहां कैसा भी इंसान अच्छा बुरा आए वो संत पीर फकीर की बात सुन के जीवन में अमल कमाए वो सोना ही नहीं वो पारस बन जाता है। उस इंसान के पास कोई और आके बैठेगा, उसे भी वो ज्ञान बताएगा, अच्छी बातें बताएगा, और उस आदमी की वजह से लोगों के घर से गंदगी नरक निकल जाती है और स्वर्ग जन्नत बन जाया करता है। तो रूहानी मजलिस में, सत्संग में आना बहुत ही भाग्य की बात, नसीबों की बात। कौडा भूमिया गण का सज्जन ठग, इतिहास गवाह है। जो लोग बुराइयों से जुड़े थे, मालिक से जुड़ के, मालिक के नाम से जुड़ के, वो बिल्कुल भक्त बन गए। गण का वेश्या, सज्जन ठग, कौडा राक्षस। कहते हैं कौडा राक्षस आदमी को तड़के खाता था। उसका एरिया था और उसके पास खौलते हुए तेल का कड़ाव था। कोई भी उस एरिया में आ जाता, पशु पक्षी, उसको पकड़ के भी तेल में डाल देता, और इंसान आ जाता उसको भी पकड़ के डाल देता। श्री गुरु नानक देव जी के समय की बात, उनके साथ एक जाट भाई थे और एक मुसलमान भाई थे। तो वो जो मुसलमान भाई थे मर्दाना जी, वो थोड़ा भूख कम सहन कर पाते थे, तो वो दौड़े कि मुझे भूख लगी है, मैं तो इस जंगल में जाऊंगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीरो मुर्शिद कहलाते थे, सूफी संत। उस समय सिख धर्म नहीं बना था। तो वो सज्जन कहता मैं तो इस जंगल में जाऊंगा। गुरु जी कहने लगे इधर मत जाना। कहता ना मैं नहीं रुकता। कहते देख ले फिर रंग। चला गया, कौडा राक्षस था, उसने उठाया, सिर पे उठा के ले जा रहा था। अब मर्दाना ने देखा कि सामने तो खोलता हुआ कड़ाव है बहुत बड़ा। कहने लगा रे क्या करेगा। कहता तेरे पकौड़े बनाऊंगा उसमें डाल के।
थर थर कांपने लगा। हो कहा तो मैं कुछ खाने आया था, गुरुजी ने कितना रोका था पीरो मुर्शिद ने, लेकिन मैंने नहीं सुनी, अब क्या होगा। बहुत जोर लगाया, इतने बड़े राक्षस से कैसे छूट पाए। बस फिर कहता एक ही सहारा है, अपने गुरु मुर्शिद कामिल को याद किया कि तू अल्लाह से मिलाने वाला है, रहमत का दाता है, तो अब मुझे भी मिला के। भक्ति इबादत में खो गया, साथ रहने वाला था, जल्दी लिब लग गई। और कहते हैं जब वो से फेंकने लगा कौडा राक्षस, तो खोलता हुआ कड़ाव जो तेल खोल रहा था, उबल रहा था, वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। और जैसे मर्दाने ने आंखें खोली और कौडा राक्षस ने देखा कि क्या है, ऐसा क्या हुआ, इधर से हवा आई, ये ठंडा कैसे हो गया, देखा तो वहां गुरु नानक देव जी खड़े थे। गुरु जी ने उन्हें बताया कि ये जो तू कर्म कर रहा है ये बहुत ही भयानक है, यहां दुख भरेगा, आगे तड़पेगा, इसलिए ये बुराइयां छोड़ दे। कहते हैं वो भक्त बन गया मालिक का, अति प्यारा भक्त, तो आज उसको राक्षस के नाम से नहीं, भक्त के नाम से यहां याद कर रहे हैं। तो प्यारी सास संगतियों, आपको बातें सुनाते हैं, सुनाते ही जाना है सच की बात। आपके सवालात हैं, कुछ एक आए हुए हैं, वो भी सत्संग है, आपका भी अगर वही सवाल है तो जो जवाब उसको मिलेगा वो आपको भी जवाब है, तो ध्यान से सुनिए, उसके बाद फिर से चर्चा करते हैं। हाँ जी चलिए। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, जैक्सन अग्रवाल नेत्रहीन दिल्ली से। गुरु जी, सच्चे त्यागी साधु संत की पहचान क्या है और इनमें क्या फर्क है? संत गुरु जो होता है वो गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश, जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे और बदले में किसी जमीन जायदाद किसी भी तरह का स्वार्थ ना रखे, वही सच्चा गुरु या संत होता है। और रूहानी सूफी संत की एक निशानी और भी है, कबीर जी की तरह हमने भी एक शेर बनाया मिलता जुलता, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो अल्लाह से, राम से, वाहिगुरु से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है। सच्चा फकीर सबसे बेगर्ज मोहब्बत करता है, उसे गर्ज होती है तो इतनी कि सब लोग बुराइयां छोड़ के अपने मौला, अपने अल्लाह, अपने राम से मिल जाएं और अपनी झोलियां, अपने दामन उसके रहमो करम से, कृपा दृष्टि से माला माल कर लें। इसलिए आते हैं रूहानी संत, इसलिए आते हैं सूफी संत, पीर फकीर, और वही सच होती है। वो बिजनेस नहीं कि आपको सत्संग सुनाया हमें पैसा दो, आपको कहा कि सुना ये करो वो करो फला, नहीं, उनका काम भले कर्म करना और भले कर्म करने की प्रेरणा देना होता है। जी अमित कुमार गाजियाबाद से। गुरुजी, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है और इन दोनों में ज्यादा किसका महत्व है? आपसी संबंध है दोनों का, दृढ़ यकीन आता है तभी श्रद्धा पैदा होती है। एपी सिंह सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। गुरुजी, आपकी कृपा से अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कैलिफोर्निया में भारत की तरफ से बोलने के लिए आमंत्रित किया है, आप जी का आशीर्वाद चाहता हूं। जी बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक आपको हिम्मत दे, नेक कर्म करें, आगे बढ़े, मालिक आपको और तरक्की दे, बहुत बहुत आशीर्वाद, यहां भी आप बैठे हैं आशीर्वाद। गुलशन चावला पत्रकार टोटल टीवी से। गुरुजी, हमें कई बड़े नेताओं की जनसभा में जाने व उनसे बात करने का मौका मिलता है, इतनी भीड़ नहीं आती, आप लोगों पर क्या जादू मैजिक करते हैं कि लाखों करोड़ों लोग पता चलते ही दौड़े चले आते हैं? जी तो बेटा, हम तो लोगों को अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गौड, खुदा, रब की याद करवाते हैं। यहां से ये सब लोग बिछुड़ के आए हैं, इनको वो घर बताते हैं, जब इनको उस मालिक की चर्चा की बात आती है तो वो मालिक का रहमो करम होता है कि लोग दौड़े चले आते हैं। हम कोई दिहाड़ी मजदूरी जब पैसा नहीं देते तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, ये उस मालिक का रहमो करम है, हमारा कोई जादू नहीं, पर वो सबसे बड़ा जादूगर है, वो सब पे खुशियां देता है, सबको झोड़ियां उसने भरनी होती सबकी, इसलिए वो बुलाता है और हर कोई चला आता है। स्वांत दिल्ली से। गुरुजी, जो व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, क्या यह उनके या उनके परिवारजनों के कर्मों के कारण होता है और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया जा सकता है? उनके संचित कर्म खुद के और कुछ परिवारजन के भी हुआ करते हैं, उनको भक्ति इबादत से जोड़ो,
और जितना हो सके उनका साथ दो, यही इंसानियत है। रवि शर्मा ग्रेटर नोएडा से, गुरुजी मैंने 11 सितंबर को आपसे नाम दान लिया, आपके कहे अनुसार मैंने सुबह शाम भजन किया, लेकिन मैं अपने सिर में हमेशा थोड़ा दर्द महसूस करता हूं और भजन करते समय मुझे मेरा शरीर कभी कभी भारी भी महसूस होता है। आप चलते फिरते थोड़ा सुमन कीजिए और फिर आप जब बैठ के करेंगे तो यकीनन आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। शीलू उकलाना से, गुरुजी जब हम हिसार से आ रहे थे तो रास्ते में एक भाई मृत समान रोड पर पड़ा था, कोई उसे उठा नहीं रहा था, उसका खून बह रहा था, हमने आप जी की प्रेरणा से एम्बुलेंस की मदद से उसको अस्पताल पहुंचाया। ऐसी ही पर्ची ललित इंसा दिल्ली से दलुपरा से है कि एक लड़का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी रोड पर तड़प रहा था, आप जी की प्रेरणा से उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। और नरेला अलीपुर, शाबाश, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। किसी भी धर्म में ले लीजिए, आदमियत इंसानियत से बढ़के कोई और सेवा हो ही नहीं सकती। नर सेवा नारायण सेवा, शाबाश, मालिक बेहद खुशियां दे। आप नौजवान यहां भी कहीं हैं, प्रसाद जरूर लीजिएगा। रवि कुमार रोहतक से, पूज्यता जी यहां से वेश्यावृत्ति में लिप्त कई लड़कियां डेरे में आने शुभ देवी बनना चाहती है पर दलाल आले नहीं देते, क्या किया जाए? आप कानून का सहारा लीजिए या जितने भी ऑफिसर साहबान है उनसे प्रार्थना कीजिए और अपने यहां टीमें हैं उनसे भी बात कर लीजिए। सब लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो जरूर उन बच्चियों को उस मजबूरी से निकाला जाएगा। और हमारे पास 1500 नौजवान हैं सभी धर्मों के जो वैश्यों से शादी करने को तैयार हैं, 16 शादियां हो चुकी हैं, वो अपने घरों में रह रही हैं, उनको शुभ देवी कहा जाता है और बिल्कुल उनके आगे बच्चे भी हो गए। तो ऐसी कोई भी बच्ची जो मजबूरीवश वैश्यावृत्ति में लिप्त है, हम उसे आह्वान करते हैं कि आइए बेटा, हम आपको अपनी बेटी बनाएंगे, आप में जो बीमारियां हैं उसका इलाज करवाएंगे और फिर 1500 लड़कों की लिस्ट आपको देंगे, जो आपको पसंद आए उससे आपकी शादी करवाएंगे, बकायदा आपको मुख्य धारा में लाएंगे। तो ऐसा कर चुके हैं और सफल हुआ है, तो कोई भी हमारी बात सुन रहा हो तो वो जरूर आए। ऋतुराज पत्रकार गाजियाबाद से, गुरुजी क्या आज का सियासी माहौल धर्म गुरुओं के खिलाफ साजिश का है? सच्चा सौदा का सेवादार अपने दिल को कैसे तसल्ली दे? भाई हर समय हमेशा ये दो बातें हमेशा रहा करती हैं कि अगर कोई बुरे कर्म करता है तो वो संत नहीं होता, और सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि 10-10 रुपए में लोग अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं, जिसको लाखों रुपए मिल जाए वो किसी को इल्जाम लगाने में भी देर नहीं करता। कोई कुछ भी कर सकता है, ये तो राम जाने हकीकत क्या होती है, पर ये दो पहलू हैं एक सिक्के के। अजय प्रकाश पत्रकार बल्लभगढ़ से, गुरुजी कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, फिर मन रूपी शैतान और प्रभु अंश रूपी आत्मा किस प्रकार एक शरीर में रहते हैं? वो जो आप म्यान में दो तलवार वाला उदाहरण गलत दे रहे हैं, वो तो अहंकार और प्यार की चर्चा है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो तलवार, देखा सुना न कान। कि अगर आप मालिक से प्यार पाना चाहते हैं और अहंकार भी रखना चाहते हैं, ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं रहती जैसे एक म्यान में दो तलवार, तो आपने तो कुछ और ही बना दिया उसका अर्थ। तो मन अंदर है क्योंकि वो शैतान का पुर्जा है और आत्मा अंदर है, उससे ये शरीर चला करते हैं। सो भगवान अंदर है क्योंकि उसके बिना किसी का आकार नहीं, वो निराकार है पर उसके बिना किसी का आकार नहीं, वो है तो सब कुछ है पर वो कभी ऐसा हो नहीं सकता, वो नहीं होगा, हर समय था है और रहेगा। विप्लव भाटी मेरठ से, गुरुजी मैं ठाकुर जी कृष्ण को सच्चे दिल से चाहता हूं और मैं नाम लेने के लिए भी आया हूं पर वो मेरे दिल में जिस्म में है, महत्व किसे दूं, गुरु को या कृष्ण को? भाई जब तक गुरु पीरो मुर्शिद नहीं थे तो कोई ओम हरि अल्लाह राम का नाम भी नहीं जानता था। पीरो मुर्शिदे कामिल आए, पीर पैगंबर आए, ऋषि मुनि गुरु आए, उन्होंने बताया कि अल्लाह मालिक नाम की कोई ताकत है, राम कृष्ण नाम की कोई ताकत है। तो पीर फकीर से जुड़िए ताकि आप उस मालिक से जुड़ सके। भीम चावला दिल्ली से, गुरुजी हम परिवार के 4 सदस्य हैं, हमें अपने घर में बहुत डर लगता है और शरीर में अंदर से कोई चीज बहुत परेशान करती है, डॉक्टरों को दिखा चुके हैं सब नॉर्मल है, घर छोड़कर किराए का लिया परंतु फिर भी वहां भी यही परेशानी है। आप मालिक का नाम लें, उसका जाप करें, कोई भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल इस धरती पे नहीं होती, जिन चुड़ैल ऊपरी पराई कसर जो भी आप नाम लेते हैं उसका, वो ऊपर रूहानी मंडलों पे होती, वो एक जौनी है और उसमें वो आत्माओं को छोड़ा जाता है जिनका यहां बहुत बुरे कर्म होते हैं, वो किसी शरीर में नहीं जा सकती बल्कि लाखों किलोमीटर अंधकार होता है और तलवार से भी तीखा उनका राह होता है, सूक्ष्म शरीर धारण करके भी वो कटकट के गिरती हैं, फिर से शरीर बन जाता है पर उस कटने का दर्द बेइंतहा होता है। जरा सोचिए
आप कहते हैं भूत प्रेत होता है। साध संगत ने हमें कहा गुरुजी टीवी देखा करो, हम टीवी नहीं देखा करते थे, अभी कभी कभार घंटा आध घंटा टीवी देख लेते हैं जब भी टाइम फुर्सत मिलती है। तो हमने देखा भूत आ रहा है, भूत जा रहा है, कई चीजें ऐसी सुनने को मिली, बड़ा अजीबोगरीब लगा। अरे आप तो सिर्फ अपना पैसा या करने के लिए करते हैं सज्जनों, लेकिन हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे अकेले बाथरूम करने नहीं जाते, कहते बाथरूम में भूत आ रहा है, चारपाई पे काम हो जाता है। जो इस धरती पे चीज है ही नहीं, आप उसको बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहे हैं, समझ नहीं आती। जरा सोचिए, भूत प्रेत ने आना है, बुरा ना मानना भाई कोई जहाज पे चढ़ने वाले बैठे हो, अगर भूत प्रेत ने आना है तो उनके अंदर आए जो रोज जहाज पे चढ़ते हैं। भूत को मजा आ जाए, सुबह का ब्रेकफास्ट इंडिया में और रात का खाना लंदन में खाए, जहाज पे उड़ारी भरे। अरे भूत प्रेत उनके अंदर क्यों आता है जो सूखे रोड तोड़ते हैं, हमें समझ नहीं आई अभी तक। हम गारंटी देते कोई भूत बात नहीं होता, सब बकवास है, ये सब पैसे का करा धरा है। अरे अज्ञानता ही भूत है, आप दिमागी इलाज करवा लीजिए, या आपका कोई कर्म रोग है, ईश्वर का अल्लाह का नाम जपिए लगातार, आपके सारे भूत बात सब भाग जाएंगे, आपके दिमाग की परेशानियां दूर हो जाएंगी। कृष्णा भजनपुरा से, गुरुजी आंखें खोलकर क्या सुमरण कर सकते हैं, सुमरण और ध्यान में क्या अंतर है? कर सकते हैं, और ध्यान सुन समाधि में जाना, तब आंखें बंद रखिए ताकि आपकी सुन समाधि लगे, मालिक का ध्यान रख के आप आगे बढ़े। सोटा ब्लॉक अम्बाला से गोपालिन साहब, मैं खेस दरी की फेरी लगाता हूं, मुझे सुनार की दुकान के पास से एक सोने की अंगूठी मिली एक डब्बी में बंद, मैंने उसे उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया, ऐसी और भी काफी सारी पर्चियां हैं, 32,000 रुपए का मोबाइल फोन मिला प्रकाश सोन साहब पूर्वी दिल्ली ने, गजेश सिंह पटौदी ने इन्हें भी एक मोबाइल फोन कीमती मिला उसे लौटा दिया, और श्री त्रिलोकपुरी से राजेश इंसा ने भी एक मोबाइल फोन मिला, ये बड़ा हिंदूराव में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी, उसमें ग्रीनेस के सेवादार बचाव कार्य में गए थे, वहां से इनको फोन मिला था, आपकी प्रेरणा से लौटा दिया, और एक ने 60,000 रुपए का डेबिट कार्ड मिला था राजेश इंसान गोरीवाला ने, और गुड़गावा से मिंटो इंसान ने भी कुछ पैसे, जरूरी कागजात, 2-3 ATM कार्ड, 2-3 डेबिट कार्ड, काफी सारे जरूरी सामान मिला था, आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए उन्हें वापस लौटा दिया। शाबाश शाबाश सेवादारों, जिन्होंने भी ऐसा कर्म किया, बहुत बड़ी बात। इस घोर कलयुग में तो कई लोग तो थूक में भी हाथ मार लेते हैं, बाद में गाली देते हैं, यार इसने 5 रुपए के सिक्के की तरह थूका गोल गोल, और आप इतने पैसे वापस कर दिए, यह बहुत बड़ी बात है, उस मालिक की कृपा है और हमारे धर्म का सच्चा कर्म है। शाबाश, मालिक आपको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। इन्होंने नाम नहीं लिखा, गुरुजी क्या आप जी ने भगवान को देखा है, वो कैसा है, क्या मैं भी भगवान को देख सकता हूं? आप सब में हमें भगवान नजर आ रहा है, अल्लाह गॉड खुदा रब नजर आ रहा है, हर किसी के अंदर, कोई भी ऐसा नहीं, वो अलग बात है, आपको नजर नहीं आता। तो 100 अखियां बेन जिन दुसिंदो मां पीरी, इन आंखों में ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब के प्यार की, मोहब्बत की, भक्ति इबादत की दवा डालिए, यकीन मानिए ये आंखें फानी दुनिया की तरफ से आप बंद करके लसानी दुनिया में पहुंचेंगे, उस मालिक परवरदिगार के नजारे लूट सकेंगे, जब अंदर दिखता है तो वो फिर कण कण में बाहर भी नजर आता है। पुनीता कुसुम नई दिल्ली से, गुरुजी नाम लेने के बाद क्या धूप दीपक जलाना व्रत करना उचित है? आप मालिक का नाम लेते हैं उस ओंकार का, तो जितने भी देवी देवता होते हैं, फरिश्ते होते हैं, उनका नाम भी उसी नाम में आ गया, कहते हाथी के पैर के बीच में सभी के पैर आ गए, तो जब मालिक ओंकार उस दया में रहमत के दाता का नाम लेते हैं तो बाकी सब देवी देवताओं का बीच में भक्ति होती रहती है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हरिओम कश्यप हरदोई उत्तर प्रदेश से, गुरुजी जब सब कुछ खत्म लगने लगे, ईश्वर में विश्वास करना मुश्किल हो, तब क्या करें? तब आप किसी रूहानी सूफी संत के सत्संग में सुनिए और ध्यान दीजिए, आप मालिक को मत याद करना छोड़िए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं, कर्म आपके हैं, इबादत करने से वो कट जाएंगे और सब कुछ ठीक होगा। अनुराधा दनकौर से, गुरुजी महात्मा बुद्ध जी ने बिना गुरु बनाए ही ज्ञान की प्राप्ति की, लेकिन आप कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मार्गदर्शन करेंगे। रूहानियत में सूफियत में 100% बिना गुरु के मोक्ष वाला ज्ञान आज तक ना किसी को मिला और ना मिलेगा। नवदीप इंसान सरसा से, गुरुजी आप जी ने एक नई गेम चलाई है गुल स्टिक जी, क्या गजब है, इंटरेस्टिंग गेम है, आप जी इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी हमारी विरासत संभालने के लिए आम तौर पर लोग गुल्ली डंडा खेलते थे तो कह देते थे ये पढ़ता पढ़ाता नहीं, गुल्ली डंडा पीटता रहता है,
तो उसी गेम को हमने आज के यूथ के अकॉर्डिंग बना दिया। उस गेम में नियम बनाए, उसका नाम रखा गुल स्टिक। तो उसमें बाउंड्री लाइन तीन तरह की होती है। बच्चे अगर शॉट मारते हैं उसमें, जैसे क्रिकेट है, बेसबॉल है और गुल्ली डंडा, तीनों का मिक्स है वो, उसका शॉट मारते हैं। अगर वो 40 गज तक जाता है तो 4, ऊपर से जाता है 6, 50 गज जाता है तो 8, और 60 गज जाता है तो वो दशा माना जाता है। और वहां इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया बच्चों में कि जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट में क्लब खोले जा रहे हैं और गुल स्टिक क्रिकेट से भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लोगों में इतनी इच्छा होती है, वहां लोग चारों तरफ इतने ज्यादा उसे देखने आते हैं, कहने सुनने से परे। और बड़ा ही मजेदार वो गेम है। थोड़ा उसमें चेंज लाए गए हैं, उसमें अलग तरह का उसे बनाया गया है। कभी भी आप उसे आए तो आश्रम में आगे नवंबर में भी वही गेमें हैं उनकी, वो गेमें लगातार चलती रहती ग्रीनेस की, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। जी प्रेमचंद, रेलवे इंजीनियर, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली से। गुरुजी, आज के युग में प्रत्येक धर्म के गुरु लाखों लोगों को सत्संग के माध्यम से इंसानियत की जिंदगी जीने के लिए उपदेश देते हैं, परंतु आज के दौर में मानव जाति के हर स्तर पर गिरावट आई है। चरों और भ्रष्टाचार, झूठ, बेईमानी, ईर्ष्या, पैसे की भूख बढ़ी है। क्या कारण है? वर्षों पूर्व कोई भी सत्संग का बड़ा पंडाल नहीं लगता था, उसमें लोग ज्यादा ईर्ष्यालु, ईमानदार, द्वेष तथा पैसे की कोई विशेष चाह नहीं रखता था, मानव मानव का सम्मान करता था, ऐसा क्यों है? आज का दौर स्वार्थ का दौर है, आज का दौर कलयुग है, शैतान का युग है। इसमें झूठ बुरा आम बात है, नेकी भलाई करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, पर जिन पे मालिक की रहमत, जिन्होंने अपनी खुद मुख्तियारी अच्छाई को जिंदा रखा, वो सत्संग सुनते भी हैं। आज आप निगाह मार के देख लीजिए, इतने लोग हैं कि यहां तक निगाह जाती है, धरती नजर नहीं आती। और ये ग्राउंड तो अभी बताया नहीं शायद किसी ने कि कितना बड़ा है, लेकिन ये ठसा ठस भरा है। कितनी साध संगत बाहर है, या उस बारे में पर्ची हमारे कहने से ही देते हैं, वैसे तो शायद बताते नहीं, तो बता दीजिए भाई। हाँ जी, मोहित कुमार, गुरुजी कट्टरवाद का सही मतलब क्या है? इंसान अपने बनाए असूलों में या किसी आदमी के बनाए असूलों में उलझ जाए, क्योंकि गुरु, पीर, पैगंबर किसी को कट्टरवादता नहीं सिखाते, वो तो दया, सहनशीलता, रहमत, रहम करना सिखाते हैं। तो ये इंसान का अपना ही किया धरा है, इसमें संत, पीर, पैगंबरों का कोई लेना देना नहीं होता। वो तो आदमी को नेकी, भलाई, दया, रहमत और इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। जगजीत इंसान, बठिंडा से। पूजा जी, 1 साल पहले बड़े ऑपरेशन से लड़की ने जन्म लिया था, कुछ दिन बाद लड़की की मौत हो गई। उसके बाद मेरे भाई ने अभी जो सफाई अभियान राजस्थान में चले उसमें लगातार सेवा की। टोंक में आप जी ने वचन किए थे और आपने आशीर्वाद दिया था, और आपके आशीर्वाद से कल नॉर्मल डिलीवरी से लड़का हुआ है। लड़के का नामकरण की भी अरदास जी। ये मालिक का रहमो करम है, उसी की दया में रहमत है। आप नेक कर्म कीजिए और कभी भी जब आप आएंगे तो जरूर उस बच्चे का नाम भी रखेंगे। विकास धमतान साहब से, गुरुजी बाइबल में यीशु जी के पवित्र वचन है कि दान उस तरह करो कि जिस हाथ से दान कर रहे हैं उसे दूसरे हाथ को पता भी ना चले, परंतु आजकल ये दान घोषणाएं क्यों? हमने दान खुद नहीं मांग रहे, आपका सुनने में शायद फर्क रह गया कि आप अगर दान करना चाहते हैं तो कोई बीमार आदमी बेचारा जिसका कोई सहारा नहीं, बेसहारा है, उसका इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना खिलाइए, जीते जी खून दान कीजिए, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कीजिए। ऐसे अच्छे नेक कर्म अगर आप करेंगे तो मालिक की ही सेवा है और उसकी दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होती है। हर्ष कुमार, हर्ष बिहार से। आकाश कुमार, गुरुजी नाम दान लेने से क्या होता है? इंसान के अंदर आत्मबल आता है और आत्मबल के सहारे गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति का रास्ता अंदर से ही मिल जाता है। मेवाराम 15 में मतलौटा से। पूजा जी, मैं पानीपत से आ रहा था, उस ट्रेन में 4 व्यक्ति रोजाना यात्रियों की जेब काटते थे। आज मेरा मोबाइल उन 4 व्यक्तियों ने चोरी कर लिया, एक व्यक्ति पकड़ा गया। मैं उस व्यक्ति को नाम दिलवाने के लिए लेकर आया हूं, वह रोजाना नशे के इंजेक्शन लगवाता था, वह यहां कर बहुत खुश महसूस कर रहा है और आशीर्वाद भी चाहता है। बहुत ही अच्छा कर्म है किसी के बुराई से जुड़े इंसान को उसकी बुराइयां छुड़ाना, इससे बड़ा पुण्य भी नहीं होता। तो शाबाश मालिक, आप पे रहमत करे, सो जरूर बुराइयां छुड़वाइएगा, नेकी की तरफ उसे लेके आइएगा। सागर गुप्ता विश्वास नगर से। गुरुजी, लोग कहते हैं कि तेरी कुंडली में शेख चिल्ली है, इसलिए तेरा काम ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे आ जाता है, यह क्या है? पता नहीं ये कहां से कुंडलियों में शेख चिल्ली भी आके बैठने लग गया। पहले राहु केतु बैठा करता था, अब नया शेख चिल्ली भी आ गया। देखो नए नए युग में नए नए चीजें आ रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप कर्म जोगी बनिए, ज्ञान जोगी बनिए, यकीन मानिए, मालिक रहमत करेंगे, कृपा करेंगे और आपके अच्छे कर्म बनते चले जाएंगे।
ब्रजपाल सिंह इंसान गुरु जी, सच्चे लोगों को दुनियावी लोग झूठे साबित करने की कोशिश करते हैं और सच्चे लोगों के जीवन में रुकावटें भी पैदा करते हैं, हमें उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? हमारा काम है प्यार मोहब्बत का रास्ता अपनाना और प्यार मोहब्बत से हर किसी को समझाना। इन्होंने नाम लिखा, गुरु जी आप सभी धर्म के बारे में जानते हैं, मेरा एक दोस्त मुस्लिम है, वो कहता है कि मेरे धर्म में लिखा है कि मांस खाना चाहिए, क्या ये सच है? हमें पवित्र बाइबल हमने पढ़ा, हमारे नजरिए से हम आपको बताना चाहेंगे, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि हर हाल में मांस खाना जरूरी है, ऐसा कहीं लिखा हमें तो मिला नहीं। पर किसी भी सज्जन को ये पता हो हमें पेज नंबर बताइए, किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है, कहां लिखा है, हम भी जरूर पढ़ेंगे। ये कहीं नहीं लिखा कि हर हाल खाना ही चाहिए। इन्होंने नाम नहीं लिखा, पूज्यता जी मैंने नाम जान लिया हुआ, मुझे नशे की लत लगी हुई है, जब मैं छोटी थी तो एक लड़के ने मेरा कई बार शारीरिक शोषण किया और अब मुझे नशे की लत लग चुकी है, मेरे घर वाले इस बारे में कुछ नहीं जानते, प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें, मैं हैवान नहीं बनना चाहती। आप बेटा 7 दिन अगर हो सके तो मानवता की सेवा में आए, सेवा करें और साथ में एक साथी आपका हो तो वहां दीन दुखियों की मदद करें, कोढ़ी कुष्ठी हैं, बीमार लोग हैं, आप सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो रोज रोज के 80 यानी 80 नॉर्फिन फोर्टविन के इंजेक्शन लगाने वाले 7 दिन में नशा छोड़ गए तो आपका भी जिगिन नशा छूट जाएगा, मालिक ने चाहा। आशीर्वाद। इन्होंने नाम लिखा, गुरु जी दुख और सुख क्या है? आदमी के कर्मों का लेखा जोखा है, आदमी के अच्छे कर्म सुख बन जाते हैं और बुरे कर्म दुख बन जाते हैं। सुख दुख से ऊपर बेगम पुर का बादशाह अगर आप बनना चाहते हैं तो कर्म जोगी बनिए, ज्ञान जोगी बनिए, यानी अच्छे कर्म कीजिए, ईश्वर अल्लाह मालिक का नाम जपिए और भला करते रहिए, यकीनन आपको आत्मिक शांति भी आएगी और नेकी में आगे बढ़ेंगे, सुख होगा। इन्हीं का अगला प्रश्न, गुरु जी स्वर्ग और नरक क्या है, मृत्यु और जन्म क्या है? आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करती है और वो शरीर बन के पूरा तैयार हो जाता है तो उसे कहते हैं जन्म, और उसी आत्मा का जब वो शरीर छूटने लगता है तो एक मृत्यु है कि आत्मा उस शरीर को छोड़ के स्वर्ग नरक में जाती है और उसके बाद फिर जन्म मरने में जाना पड़ता है। नशीद गिल, गुरुजी मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में मेडिकल बायोलॉजी का छात्र हूं, मैं भगवान को मानना चाहता हूं मगर मेरा दिमाग उसे मानता नहीं, सही रास्ता दिखाएं। बेटा आप डॉक्टर बन रहे हैं, डिग्री डिप्लोमे हासिल कर रहे हैं, उसके लिए आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं तब जाके आपको वो डिग्री डिप्लोमे मिल रहे हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, आपको गुरुमंत्र कलमा मेथड ऑफ मेडिटेशन बताएंगे, आप घंटा सुबह घंटा शाम सिर्फ 2-3 महीने लगातार भक्ति इबादत कीजिए, यकीन मानिए आप मालिक को मानेंगे नहीं बल्कि उसकी रहमत को भी देख पाएंगे। लोकेंद्र दिल्ली से, गुरुजी मैं आपके सत्संग में पहली बार आया हूं, क्या आप जी को पिताजी कहना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं, वो लोग इसलिए कहते हैं। आपको थोड़ा सा बता दें कि जो रूहानी सूफी संत होते हैं, जो भी ओम हरि अल्लाह मालिक की औलाद है उसको वो अपनी औलाद समझते हैं। आपके जन्मदाता मां बाप हैं, वो हिस्सा हम नहीं ले रहे। हमारा यहां जो लोग पिता या कह देते हैं, माता कई मां भी कहते हैं, तो उसका कारण ये है कि जो संत रूहानी सूफी फकीर होता है उसके लिए मालिक की औलाद अपनी औलाद की तरह वह उनको मानता है और मालिक से उनके लिए दुआएं करता है, इसलिए साथ संगत हमें पिताजी कह देते हैं, और कोई अलग बात नहीं। आप बाबा जो आपको ठीक लगता है आप कह सकते हैं, हमें इससे कुछ ऐसा हर्ज नहीं। प्रदीप श्रीवास्तव फोरियल न्यूज से, गुरु जी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में आम वोटरों के लिए आपका क्या संदेश है, क्योंकि हर पार्टी आम वोटरों के हितों का ध्यान नहीं रख रही? राजनीति से हमारा जन्म से कोई संबंध लेना देना नहीं है, पर अगर आप ऐसा सवाल पूछते हैं तो समाज में रहते हैं हम तो वही चाहेंगे जो हम बहुत बार कहा करते हैं कि भाई ऐसे लोगों को आगे लाइए जो आपके हलके में रहे, हलके में रह के आपका दुख सुख सुने और सबका साझा दुख है वो जल्दी से जल्दी दूर करे, ऐसे लोगों को आगे लेके आइए जो हमारे धर्मों के अनुसार चले, नशा ना करवाए, नशा बंद कराए और जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको बंद करवाए, नेकी भलाई को पूरा हौसला दे, ऐसे लोगों को आगे जरूर लेके आए। इन्होंने नाम नहीं लिखा, पीर जी सलाम कबूल कीजिए, आपके चेहरे पर इतना नूर कैसे है? ये उस अल्लाह की मर्जी है, भगवान की कृपा है, हमने कुछ अलग से कोई पाउडर शोडर नहीं लगाया होता, ये उस राम का रहमो कर्म उसकी दया में रहमत है, अगर आपको नूर नजर आया तो ये आपके ऊपर भी उसकी कृपा है, क्योंकि हमें तो सबके अंदर उस मालिक का नूर नजर आता है, आपको हमारे में आ गया ये उसका रहमत है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, गुरुजी मैंने कहीं और से नाम ले रखा है, गुरुजी आपके सत्संग में आया हूं कोई दिक्कत तो नहीं? ना जी कोई दिक्कत नहीं।
राकेश इंसान सरसा से। प्यारे गुरु जी, जैसे अभी हमने देखा कि मोटरसाइकिल पर नौजवान आप जी का स्वागत कर रहे हैं जी, बहुत सुंदर नजारा था जी, पर सबसे बड़ी मेहरबानी तो आप जी की है जी, जो आप जी ने इन नौजवानों की जवानी को मानवता भलाई के कामों पर लगा दिया है जी, ऐसा नशे मुक्त समाज देने के लिए आप जी का शुक्रिया। जी जी, वाकई ये नौजवान अच्छे कर्म करते हैं, भले कर्म करते हैं और भले कर्मों में बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमने लगभग 4.5 से 5 करोड़ लोगों को गुरु मंत्र कलमा मेथोड़ा मेडिटेशन बताया और उनमें 65 से 70% यूथ है, नौजवान है, तो ये अपने आप में बेमिसाल है कि वो लोग जो आने वाला समाज है वो बदल रहे हैं, बुराइयां छोड़ रहे हैं और आत्मबल के सारे अच्छाई नेकी में बुलंदियां छू रहे हैं और मालिक उन पर बहुत रहमत कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा गुरुजी, आत्मबल के लिए क्या करें ताकि हमारे संकल्प पक्के रहें। जी बिल्कुल बेटा, जब तक आत्मबल नहीं, साइंस हमने पढ़ी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस में लिखा आत्मबल सफलता की कुंजी है और आत्मबल गुरुमंत्र कलमा मेथड के बिना कहीं से मिलता नहीं। तो जिनके अंदर आत्मबल होता है वो हारी हुई बाजी जीत जाया करते हैं। एक टेबलेट, एक इंजेक्शन रुपए में 10 पैसे अगर आपके ऊपर असर कर रहा है और जैसे आपके अंदर आत्मबल आ गया तो वो रुपए में 100 पैसा काम करना शुरू कर देगा, ऐसा होता है आत्मबल। और जिनके अंदर आत्मबल नहीं होता वो जीती बाजी हार जाया करते हैं और वो दुखी रहते हैं। हर्ष दिल्ली से, गुरुजी भगवान प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग का रास्ता क्या है और कितना उपयुक्त है? आपको अभी वो रास्ता बताएंगे थोड़ी देर के बाद, पहले ये सत्संग का प्रोग्राम, उसके बाद वो मेथड बताएंगे, वो कलमा, वो गुरु मंत्र, वो नाम शब्द तरीका बताएंगे। इन्होंने नाम लिखा गुरुजी, क्या परमात्मा नाद और प्रकाश स्वरूप है, स्पष्ट करें। मालिक की आवाज यानी नाद और रोशनी कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है और उसी से सारी संसार की सृष्टि रचना मालिक ने खुद करवाई। डॉक्टर गौरव इंसा कुजेक्ता जी, आप जी के कहे मुताबिक हमने चेक किया तो पता चला कि नासा के सबसे पुराने लैंगले सेंटर पर नासा के वैज्ञानिक भी मेडिटेशन करते हैं, इससे ब्रेन की ग्रोथ बढ़ जाती है और बीमारियां बहुत ज्यादा ठीक होती हैं, ऐसी सैकड़ों स्टडीज हो चुकी हैं, एडवांस कैंसर के मरीजों की आयु भी 1.5 से 2 साल तक बढ़ जाती है, यह सारी रिसर्च एडवांस कंट्रीज में हुई है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वाकई ऐसा है क्योंकि हमारे धर्म महाविज्ञान है और साइंस धर्मों की ही देन है। जो साइंस कह देती है हम धर्म को नहीं मानते, आप धर्म को तो नहीं मानते पर धर्म की बातों पे रिसर्च जरूर करते हैं। हमारे वेदों में लिखा था बैक्टीरिया वायरस कीटाणु होते हैं जो दिखते नहीं, रोग फैलाते हैं, साइंस ने मजाक उड़ाया पर 1650 में साइंस ने यह माना बैक्टीरिया होता है और 1850 में शायद और 1892 में यह माने कि वायरस होता है। हमारी धर्मों ने कहा सैकड़ों चंद्रमा, लाखों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र हैं, साइंस ने मजाक उड़ाया पर आज से 10-15-20 साल पहले नासा साइंस केंद्र यह मान चुका है कि छोटे से खगोल में जब उन्होंने देखा तो कई सूरज मिले, इसका मतलब धर्मों में जो लिखा सैकड़ों सूरज, लाखों सूरज पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। तो धर्म को फॉलो कर रही है साइंस क्योंकि धर्मों से ही साइंस बनी है, पर आज धर्म का जो नाम है वो बिकाऊ हो गया है, बड़ा दर्द होता है। धर्म के नाम पे किसी को लूटना, धर्म के नाम पे किसी को डराना, धर्म के नाम पे किसी का नजायज फायदा उठाना, लाण तैसे लोगों पे और लाण तैसा धर्म की बात बताने वालों पे। अब कुछ लाइव मैसेज है जी, मिकी इंसान बैरमपटन कनाडा से। प्यारे पिता जी, मन की आवाज ख्याल जो नाम से दूर करते हैं तो किस तरह से खत्म किया जा सकता है? भक्ति इबादत से, सेवा से, परहित परमार्थ से। प्रवीण इंसान 7 मेंबर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, ये भी लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, यहाँ सिडनी के आसपास कई जगह भीषण आग लग गई है जिससे बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय फायर सर्विस के साथ मिलकर 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद ही कोई मदद कर सकता है, रहमत करो जी, ताकि आप जी द्वारा मानवता भलाई के लिए बनाए गए शास्त्रानी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर ट्रेनिंग लेकर लोगों की मदद कर सकें। बिस्कुट है प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। वह सात संगत ने 13 अक्टूबर को 2184 पौधे भी लगाए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, वेल डन। और आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं तो आप जरूर ट्रेनिंग ले लें ताकि इंसानियत की सेवा कर सकें। पूरे वर्ल्ड में जो साथ संगत सुन रही है नेट के द्वारा ये सत्संग, तो उनसे गुजारिश है कि आपके देश में, जिन भी देशों में आप लोग रहते हैं उनमें अगर मानवता भलाई के लिए कोई ट्रेनिंग है तो वो जरूर ले लीजिए, ताकि आप ट्रेनिंग करके जब जरूरत पड़े तो मानवता की भलाई कर सकें। सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से, क्या पत्थरों या पहाड़ों की भी जूनी होती है जी? जी, रूहानियत में माना जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं किधर ना किधर थोड़ा बढ़ते हैं, कुछ ऐसे पत्थरात माने जाते हैं, ऐसा एहसास होता है।
सनीन साहब बेंगलोर से, ये भी लाइव मैसेज प्यारे पिताजी, प्रॉपर्टी के काम में एक पार्टी कम दाम पर सौदा करके दूसरी पार्टी को ज्यादा कीमत पर बेचती है, तो क्या ऐसी कमाई हराम की कमाई है जी? भाई अगर आप सही सलामत सही तरीके से आप मेहनत करते हैं, बहुत साल पहले जो जायज रेट था उसी पे आपने खरीदा, कुछ सालों बाद उसका रेट ज्यादा हो गया पर वो सारा रेट है आप उसी रेट में बेचते हैं, हमें लगता नहीं कि इसमें कोई गलत है, पर झूठ बोल के कुफर तोल के या किसी बेईमानी से ऐसा करते तो वो बेईमानी है। आखिरी प्रति है जी, रोमा कक्कड़ मंगल कलश टीवी चैनल से, गुरु जी कोई भी फैसला लेते समय मन की सुननी चाहिए या दिमाग की? आज के युग में ना मन की सुनो ना दिमाग की, आत्मा की सुनो रूह की सुनो, क्योंकि मन के अधीन है आज दिमाग, बुरे विचार बुरी सोच चारों तरफ, तो आत्मा की आवाज को अंदर से सुनिए, कैसे भक्ति इबादत सुमरण से आपके अंदर की आवाज आपको सुनाई देगी और तभी आप नेक भले कर्म कर पाएंगे। तो आगे भजन में आया, सत्संग की महिमा इतनी है भगवान भी खुश हो जाते हैं, करे संगत भरोसा आ जाए जिंदगी का बीमा हो जाता है। सत्संग में संत रूहानी पीर फकीर सच्ची बात सुनाते हैं, सच के राह पे चलाते हैं। हम सत्संग करते करते 15-20 साल से लोगों को समझाते रहे कि मां के गर्भ में बेटी को मत मारो, मां के गर्भ में बेटी मारने से आने वाला समय बड़ा ही दर्दनाक होगा। ये लगभग 1993 से लगभग 20 साल के करीब हो गया है हम बोलते आ रहे हैं, लेकिन लोग कन्या भ्रूण हत्या नहीं त्याग रहे। कहते हैं किसी जीव को मारना महापाप है और अपनी ही बेटी को अपने हाथों कत्ल करना ये महापाप का भी बाप है, लेकिन लोग नहीं हटते। तो हम ये बात कहते हैं कि हे भाइयों, जो ऐसा बुरा कर्म करते हो, आप अपने आप को मर्द कहते हो और अपनी बेटी को अपने हाथों से अपनी पत्नी के गर्भ में कत्ल करवाते हो, लान देसी मर्दानगी पे। और बहनों की तरफ, मां का दर्जा तो मालिक से भगवान से बढ़ के है। अरे मां वो है जिसे पीर पैगंबरों ने जन्म लिया, गुरु महापुरुष अवतार पैदा हुए, पर वो मां जो अपने गर्भ में अपनी बेटी का कत्ल करवाती है, उसकी अबॉर्शन करवाती है, वो मां नहीं भगवान नहीं, हमारे धर्मों में बेरहम दायन कहा जाता है, लानते सी मां पे। और वो डॉक्टर, अरे गांव में किसी का सिर दर्द हो बहुत भयानक, डॉक्टर थोड़ा इलाज कर दें, तो गांव के लोग कहते हैं यार वो डॉक्टर तो मेरे लिए भगवान है, इंजेक्शन लगाया मैं ठीक हो गया, पर वो डॉक्टर जो चंद नोटों के लिए दूसरों की बेटी का गर्भ में कत्ल कर देते हैं, वो डॉक्टर या भगवान नहीं, हमारे धर्मों में उसे बेरहम जल्लाद कहा जाता है, लानते से डॉक्टरों पर। तो हे भाइयों, आप अच्छे बाप बन जाओ, अरे मर्द तो अपने आप ही बन जाओ, और हे बहनों आप एक अच्छी मां बन जाइए, भगवान का दर्जा तो आपको अच्छी औलाद जरूर दिलवा देगी। और हे डॉक्टर साहबान, आप जब साइंस में पढ़ते हैं, डॉक्टरी करते हैं, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी लेने के लिए नहीं। अगर आपके पास पैसा है, हुनर है, तो किसी गरीब का फ्री में दर्द बंडा के देखो, यानी इलाज करके देखो, अरे आप तो क्या, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख में जीवन जरूर बिताएंगी। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारे तो बेटियां बहुत हैं, हम उन्हें पाल पोस नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर आपसे बेटी का पालन पोषण नहीं होता तो बेटी आप हमें दे दीजिए, हमारे पास ऐसी 21 बेटियां हैं, कोई झाड़ी में से मिली, कोई हॉस्पिटल में छोटी कोई जन्म देते ही छोड़ गया, तो वहां शाही बेटियां बसेरा बनाया गया और उन बेटियों को एसी रूम्स में रखा जाता है, सीबीएसई बोर्ड इंटरनेशनल स्कूलों में हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, और उन बेटियों का स्कूलों में मां बाप का नाम
हमने अपना नाम दिया है, उनको कोई अनाथ नहीं कहता। और 21 बेटियां हमारे पास, जो बड़ी बेटियां हैं, जो आज 16-17 साल के करीब हो गई होंगी, तो वो बच्चियां समाज के मुंह पे एक के बाद एक तमाचा मार रही हैं। सबसे पहले उन्होंने कई गेमों में इंडिया में गोल्ड मेडल जीता, जिससे साबित होता है कि पूरे भारत में वो अपनी उम्र में नंबर वन है। जब 10th की परीक्षा प्लस टू की आई तो वो CBSE बोर्ड के टॉप 10 में शामिल हो गई, जो अपने आप में बेमिसाल है। तो इसलिए भाई, अगर आप बेटी पाल पोस नहीं सकते, आइए आश्रम में देख लीजिए उनका घर कैसा बना हुआ है। वह बहनें उनको संभालती, आदमी लोग नहीं जाते, और उनके एसी रूम्स, पढ़ाई अच्छी होती है। अगर आप उन्हें हमें देंगे, मारेंगे नहीं, तो आप महापाप के बाप से बचेंगे। और यहां हमारी करोड़ों बेटियां हैं, एक बेटी और आ जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हाथ जोड़ के विनती है, ये बुरा कर्म ना कीजिए। हम 20 साल पहले यही कहते थे, अगर भ्रूण हत्या करोगे तो लड़कों की गिनती बढ़ जाएगी और लड़कियां कम हो जाएंगी, लड़के ज्यादा होंगे तो गुंडागर्दी फैलेगी, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की मां सलामत नहीं बजेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा गुंडा राज आने लगेगा। उसके संकेत नजर आते हैं, बहुत भयानक संकेत। अब भी मान जाओ, खास करके दिल्ली निवासी हो आप, तो जरूर आप पढ़े लिखे, देश की राजधानी कहलाते हैं। हम अभी राजस्थान से सत्संग करके आ रहे हैं, बहुत से सत्संग में, वहां इतना बुरा हाल नहीं था जितना आपकी दिल्ली में है। यहां एक रिपोर्ट दी डॉक्टरों ने, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 1000 लड़कों के पीछे 868 लड़कियां हैं मात्र। तो आपसे गुजारिश है, आपसे एक प्रार्थना है, आपके लिए मालिक से प्रार्थना विनती, दुआ करेंगे यहीं बैठे बैठे। और फकीर जब दुआ करते हैं वो परहित परमार्थ करते हैं, मालिक उनकी दुआ मंजूर करते हैं, कबूल करते हैं। पर उसके लिए आपसे प्रार्थना है कि आप जिंदगी में कोई भ्रूण हत्या ना करना, और हो सके तो कोई कर रहा हो उसको रोकना, उससे बेटी अपनी गोद ले लेना या हमें दिला देना। तो आइंदा से आप जिंदगी में ये बुरा काम नहीं करेंगे, हमारे साथ कसम खाइए, हाथ उठा के, जी हाथ खड़ा रखिए थोड़ी देर। तो आपके लिए मालिक से दुआ करते हैं कि हे मालिक, ये सब लोग आज एक महापाप का त्याग कर रहे हैं, इनके घरों में महापुण्य ला देना, घर में खुशियां बरकत ला देना, आत्मिक शांति देना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। जो लोग कहते हैं गुरुजी आप किस लिए सत्संग करते हो, अरे हम इसलिए सत्संग करते हैं कि लोगों के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएं, बुराइयों का नाश हो जाए, लोग इंसानियत को जिंदा रख सकें। अरे बेटे से वंश चलता है तो वंश बेटी से भी चल सकता है, ये आपको गलत है। जरा बताएंगे आप ऐसा कहने वाले कि बेटे की रगों में जो बेटा है आपका, तो आपका खून दौड़ रहा है तो बेटी के क्या पानी दौड़ रहा है? या फिर ये बताइए, बेटे के रगों में तो आपका खून है तो बेटी की रगों में किसका खून है? किस मामले में कम है? अच्छी संस्कृति सभ्यता सिखाइए बच्चों को, बेटे को भी बेटी को भी। अरे अगर दोनों को अच्छी संस्कृति सभ्यता सिखाओगे, नेक बनाओगे, तो अगर बेटा नाम रोशन कर सकता है तो बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, ये बुरा कर्म कभी ना करना, आपने कसम खाई। सो भजन के लास्ट में आया, बट दुनिया बलता सड़ता है, सत्संग में ठंडक मिलती है, शाह सतनाम जी भवसागर गहरा ले इसका सहारा तर जाते हैं, बुरी आदतें सब छूट जाती हैं जो चल सत्संग में आते हैं। इस बारे में लिखा बताया है, सत्संग में भक्ति भाव की लहरें ठाठे मारती हैं, इसके शांति और ठंडक भरे असर सबको ठंडक बख्शते हैं। दुनिया एक जलता भट्ट है जिसमें जीव जल रहे हैं, उनकी बेचैनी की हालत तरस योग है, संतों का सत्संग एक बड़मूली नियामत है जो तड़फते जीवों का आधार है, जो जीव इसका सहारा लेते हैं वो भव सागर को तर जाते हैं। यदि नदी नालों का जल गंगा में मिलकर
गंगा जल हो जाता है, कसाई के घर का लोहा भी पारस से लगकर सोना बन जाता है, नीम का वृक्ष चंदन के निकट रहने से खुशबूदार हो जाता है, और यदि ये सच है कि जो कुछ नमक की खान में गया नमक हो जाता है, तो इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि जो सत्संग में जाते हैं उन पर सत्संग का रंग चढ़ जाता है। कि माली के नाम का अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा के रब के नाम की वो एक अंदर सुरूर पैदा होता है, चेहरे पे नूर आता है। जो लोग रूहानी सत्संग रूहानी मजलिस सुन के अमल किया करते हैं वो नूर कैसे आता है? आप कैसे लज्जतें ले सकते हैं, कैसे अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, वो तरीका आपको अभी बताएंगे। सत्संगियों ने बहुत भले कर्म करने शुरू किए हैं। सत्संग जी आपको एक बात सुनाना चाहते हैं कि मालिक से जो जुड़े रूहानी सूफी भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी एक आपको पढ़ के सुनाते हैं। मरने के बाद नित्य दान करने वाले फार्म भरे जाते हैं और आज तक जो फार्म भरे गए हैं 112,150 लोगों ने ये फार्म भरे हैं कि हम मरने के बाद आंखें दान करेंगे, जो महादान, हमेशा खून दान किया करेंगे। ऐसा फार्म भरने वाले 99,169 लोगों ने फार्म भरे जो नियमित रक्तदान किया करेंगे, बेमिसाल। मरणोपरांत शरीर दान करेंगे 72,935 फार्म भरे जा चुके हैं। कभी रिश्वत नहीं देंगे 93,484 लोगों ने ये फार्म भरे हैं। और कभी रिश्वत नहीं लेंगे ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये कोई चीज कहीं लिख देते हैं कोई कहीं, तो इसमें लिखा जी जो ऑफिसर हैं 1294 ऑफिसरों ने ये फार्म भर दिए हैं कि हम कभी भी रिश्वत नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे 86,729, समलैंगिकता त्यागेंगे 1241, भक्त योद्धा वैश्यों से शादियां करवाएंगे 15,013 नौजवान 1513, और दूसरों को मकान बना के देंगे निशुल्क घर बना के देंगे तो वो 811 परिवार। कभी जीते जी गुर्दा दान करेंगे 54,122 सेवादार जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करके गुर्दा दान करने के फार्म भरेंगे, भर चुके हैं। महाभियान फार्म, जैसे सफाई का महाभियान यहां हुआ, 90,369 सेवादार हो चुके हैं। महादानों का महादान, बुराइयां छुड़वाएंगे 21,231, हम एक हमारा एक कि एक ही बच्चा रखेंगे, 100 मुहिम चलाएगी उसमें कुछ के फार्म भरे जा रहे हैं, तो ये फार्म हम एक हमारा एक 857 फैमिलीज परिवार। और भक्त मर्द गाजी पर्ण, जो लड़कियां शादी करवा के दूल्हे को घर लेके जाएंगे और वो दूल्हा दूल्हा कहलाएगा, घर जवाई नहीं लड़की से घर का नाम चलेगा, ऐसे लड़कियों से शादी करवाने वाले जो लड़के हैं वो 102 फार्म भरे जा चुके हैं जी, जिनमें पढ़े लिखे हर तरह के बच्चे हैं। कुल का क्राउन, वही बेटियां जो माँ बाप के अकेली हैं या जिनके भाई नहीं तो वो लिखाती हैं नाम और उनकी शादियां होती हैं, अब तक 5-7 शायद पूरा हमें पता नहीं शादियां हो चुकी हैं, लड़कियां लड़कों को विवाह के घर ले जा चुकी हैं और उन लड़कियों का वंश, उनके परिवार का वंश लड़कियों के नाम से चलेगा, बेटे के पीछे उस परिवार का नाम सरनेम होगा ना कि उसके पिता वाला। और जग जननी हत्या रोको, उसके तो 41,864 फार्म। गैरते इंसान, लड़के लड़कियां एक दूसरे को उत्साहित नहीं करेंगे, छेड़ने के लिए छेड़ेंगे नहीं, बुरे कर्म नहीं करेंगे। यंग एज ये अभी शुरू हुआ है कि कोई छेड़खानी नहीं की रखे, खास करके लड़कों की तरफ से 2914 फार्म भरे जा चुके हैं कुछ दिनों में, ये कुछ दिनों की बात है। सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, मां बाप का सम्मान करेंगे, चलो अगर वो आपको सही नहीं लगते तो राड़ नहीं, झगड़े नहीं, उनकी निंदा नहीं, बल्कि आप उनका सत्कार करते हुए अपने कर्म करते रहेंगे, तो ऐसे फार्म भरने वाले 2411। तो इस तरह कुल फार्म जो भरे जा चुके वो 4,03,442। तो आप विदेशों में भी 148 सेवादारों ने फार्म भरे हैं, सो आप फार्म भरें, नेकी में आगे आए और मालिक बेहद खुशियां दे। और जो सत्संग है जो है वो टोटल ग्राउंड 12 एकड़ का है ये,
ये पूरा भर चुका है और बाहर जाम लगा हुआ है और रोडों पे भी जो रोड से उसमें भी सात संगत बैठी है, रोड पे सात संगत बैठी हुई है, तो बहुत सात संगत है, बहुत ज्यादा रोड फुल है। सो ये मालिक की रहमत है, सबको बहुत आशीर्वाद। तो थोड़ी सी देर आपकी लेंगे, थोड़ा सा समय और अभी बैठे रहिए सब लोग। यहां की सात संगत ने प्रसाद भी बनाया है पूरी सात संगत के लिए, और जो गुरुमंत्र कलमा लेंगे शब्द नाम उनके लिए भी प्रसाद, सारी सात संगत के लिए प्रसाद है। तो आप बैठे रहना अभी। विदेशों में लोग जो सत्संग सुन रहे हैं नेट के द्वारा, पूरी दुनिया में सत्संग जा रहा है, कनाडा में है जी, प्रिंसटन, वैनकूवर, सरी बीसी, एब्सफोर्ड, कैलगरी, एडमिंटन, विनीपेग, रेजिना, हैमिल्टन, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओकविले, इटली में रजोमिलिया, रोम, बेरगामो, तरवीजो, बरोना, विचेंसा, लतीना, फ्लोरेंस, वरेशिया, अमेरिका में सैक्रामेंटो, फ्रीमोंट, कैलिफोर्निया, सियाटल, वाशिंगटन, सांता क्लारा, लॉस एंजलिस, आयोवा, सोमरबिले, टेक्सास, शिकागो, बोस्टन, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट, इंडियाना, न्यूयर्सी, यूएई में अजमान सिटी, मुसाफिक रामा सिटी, शारजा, दुबई, अबूधाबी, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडलेड और बलगुलगा, जर्मनी में ऑरिच, वर्लिन, रोस्टॉक, हैमबर्ग, ब्राउनस्विक, डुसेलडॉर्फ, फ्रैंकफर्ट, और फिलीपाइंस में तगुम सिटी, मनीला, यूके, इंग्लैंड में लंदन, कार्डिफ, साउथ हॉल, लेफोर्ड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इलफोर्ड, मेडनहेड, चाइना में शनयांग, वेंजो, विजिंग, नींबो, न्यूजीलैंड में पामर्सन नॉर्थ, ऑकलैंड, टोरोंगो, और देशों में बाकी नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, अर्मेनिया, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, साइप्रस, जॉर्जिया, ओमान, नेपाल, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, और भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा और पश्चिम बंगाल, नागालैंड, सब जगह सात संगत बैठी है और सबको बेहद बेहद आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। नेट के द्वारा लोग हमें बैठे नजर आ रहे हैं, सामने स्क्रीन लगी है, और सेवादारों से गुजारिश, जब ज्यादा देशों के लोग होते तो दो स्क्रीन लगा दिया करें एक ही जगह, ताकि उन सबकी हाजिरी लगती रहे, यहां एक ही जगह दो स्क्रीनें हो, क्योंकि बार बार आ रहे हैं, पंद्रह पंद्रह तेरह तेरह एक बार, तो आशीर्वाद। और एक परिवार विवाह शादी वाले भी आए हैं जी, अभी बैठे रहिए, आपके सामने ही आएंगे। और ये दिन के मध्य में बैंक में 10,870 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। मरणोपरांत शरीर दान का 3, नेत्र दान का 3, और जीते जी गुर्दा दान का 3 मेंबर पर्ण कर चुके हैं जी। ये सभी दान महादान, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम मनीष इंसा, पुत्र महेश इंसा जी का, निवासी कुतुब बिहार दिल्ली से। लड़की का नाम तृप्ता इंसा, पुत्री भक्तराम जी की, निवासी करनाल।